नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ बेहद खतरनाक और जानलेवा कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 23 देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। केवल चीन में 20,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 425 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 2,00,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से प्रभावित होने के संदेह पर निगरानी में रखा जा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के 3 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी और वायरस का इलाज खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच कोरोना वायरस से बचाव और इसके इलाज को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिशा निर्देश जारी किया है। WHO की चेतावनी के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। एंटीबायोटिक कारगर उपाय नहीं। कोरोना वायरस को लेकर एक अफवाह फैल रही है कि एंटीबायोटिक से इसका इलाज हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया से फैलने वाले इन्फेक्शन में काम करते हैं, ये किसी वायरस के खिलाफ काम नहीं करता है। ऐसे में कोरोना नाम के इस नए और खतरनाक वायरस से लड़ने में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा। कोरोना वायरस का अब तक कोई दवा या टीका नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव या फिर इसका इलाज करने के लिए अब तक कोई खास दवा उपलब्ध नहीं है। WHO ने कहा है कि इलाज के कुछ विशेष उपायों को अध्ययन किया जा रहा है और निदान के लिए इसका परीक्षण भी किया जाएगा। WHO ने कहा है कि वैज्ञानिक इस बारे में हो रही रिसर्च कर रहे संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से कोई भी संक्रमित हो सकता है। WHO का कहना है कि सभी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अस्थमा, हृदय रोग या मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। क्या निमोनिया की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाने में काम करेगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ये पूरी तरह से एक अफवाह है। WHO का कहना है कि निमोनिया के लिए दी जाने वाली न्यूमोकोकल वैक्सीन इस बेहद खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करती। वायरस बिल्कुल नई है और इसके लिए एक अलग और नई वैक्सीन की जरूरत है। फिलहाल डॉक्टर और वैज्ञानिक इस नई वायरस के लिए नई वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। क्या चाइनीज फूड खाने से फैल सकता है कोरोना वायरस? सोशल मीडिया में एक और अफवाह सामने आ रही है, चाइनीज फूड से कोरोना वायरस फैल रहा है। ऐसे में लोगों को चाइनीज फूड और चाइनीज रेस्टोरेंट्स में जाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये बात पूरी तरह से गलत है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चाइनीज फूड को कोरोना वायरस फैलने का माध्यम नहीं माना। इसलिए गलत है कि चाइनीज नूडल्स या फिर चाइनीज फूड आइटम खाने से आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। क्या पालतू जानवरों से फैल सकता है कोरोना वायरस? अब तक किसी रिसर्च में ये बात साबित नहीं की गई है कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश या अन्य पालतू जानवर से खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। अब तक इन पालतू जानवरों से लोगों में कोरोना फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद डॉक्टर पेट्स को छूने के बाद अच्छी तरह से हैंड वॉश करने की सलाह देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया न फैले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।